नहीं ये बड़ा बड़ा ज्यादा नहीं चाहिए, और पतला रहता है ना, इससे पतला कोई नहीं। ये प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड, ये लगा प्रोसेसर, अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लायंस है, सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं फिर से जा रहा हूँ डॉक्टर बत्रा के पास। मेरा एक्चुअली डैंड्रफ का जो पाउडर था वो ख़त्म हो गया है, तो उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। और आज गणपति है तो पता नहीं खुला है या बंद है, मैंने फ़ोन भी नहीं किया था। सो अगर खुला होगा तो मैं ले लूँगा, और थेरेपी भी ले लूँगा, थेरेपी भी लेना है। डॉक्टर ने बोला आप वीकली आ सकते हो या 15 दिन में आ सकते हो, तो मैं थेरेपी और पाउडर दोनों ले लूँगा अगर खुला होगा तो। और उसके बाद उधर से आने के टाइम फिर मैं जाऊँगा एक शॉप पे, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक कंप्यूटर और प्रिंटर बुक करके रखा है, उसको लेना है। सो दो दिन पहले हम लोग गए थे, एक्चुअली मुझे नहीं लेना है, मेरा नहीं है, मेरा फ्रेंड का है, मेरा फ्रेंड है एक नीरज, उसका है, तो वो आ नहीं पाएगा, उसको टाइम नहीं मिला आने के लिए, तो मैं ही जाऊंगा, मुझे काम भी है, और वहाँ से आने का टाइम मैं ले भी लूँगा। तो मैंने बोल दिया कि मैं ले लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो मैं अभी जा रहा हूँ और रास्ते में हूँ, तो मैं पहले जाऊँगा डॉक्टर के पास, उधर से आने के टाइम फिर जाऊँगा अपना कंप्यूटर लेने के लिए और प्रिंटर लेने के लिए। सो गाइज, मैं पहुँचने वाला हूँ क्लिनिक के पास, क्लिनिक मेरा उस साइड में है, तो रोड क्रॉस करने के बाद मेरा क्लिनिक आ जाएगा। ये रहा बिल्डिंग, शांति भवन, और अभी जाएंगे अंदर, पता नहीं खुला है या बंद है। सो गाइस, मैं जस्ट बाहर आ रहा हूँ, और अपना जो थेरेपी है वो मैंने ले लिया है, और जो पाउडर लेना था डब्बे के अंदर वो तो मिला है, बट दूसरा मिला है, जो पहले मुझे दिया था वो ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने बोला कि ये यूज करो, ये भी अच्छा ही है, क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा मिला है। सो गाइस, ये वाला मिला है हमको, पिछली बार दूसरा था, इस बार हमको ये दिया है, तो उन्होंने बोला है कि वो ख़त्म हो गया है, तो ये यूज करो, ये भी अच्छा है। मैं बोला ठीक है, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दे दो। सो अभी जा रहा हूँ कंप्यूटर वाले शॉप पर, और देखते हैं वहाँ पर क्या स्थिति है। ये रहा शॉप, इसी के अंदर है, उधर से जाना है हमको। ये जो एरिया है, इस एरिया में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, मतलब जो भी कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल शॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लायंस है, सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। सो मेरा जो शॉप है वो आगे है, तो वहाँ पे जाऊँगा मैं, देखते हैं खुला है या बंद है, आई डोंट नो, कुछ आइडिया नहीं है। गणपति होगा तो शायद बंद भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट खुला हुआ है सारे दुकान, तो देखते हैं मेरा वाला किधर है भाई, मेरा वाला किधर गया, आगे है मेरा वाला, ये है भाई, इसके अंदर जाना है, देखते हैं क्या है स्थिति। अलाइन प्रिंट लाइन रो क्या ले, हां सिस्टम में छोटा पार्सल है क्या, क्या ये है प्रिंटर और ये मॉनिटर, ये दोनों मॉनिटर है, बट देखते हैं कौन सा लेंगे, अभी कंफर्म नहीं मॉनिटर। सो गाइस, इधर हमारा सीपीयू का काम चालू है, तब तक ये असेंबल हो रहा है। ये क्या है, नाम बताओ। ये प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है ना, और ये प्रोसेसर है, ये लगा प्रोसेसर ऊपर, ये पूरा अभी ओपन है, अभी सेटअप चालू है इसका, और जो मैंने मॉनिटर लेने की सोच रहा हूँ वो इसमें है, सैमसंग का। सो देखते हैं कौन सा लेता हूँ, अभी कन्फर्म नहीं है। ये रैम है अपना, प्रोसेसर फैन, इधर लगाया है पैसे के लिए। वो दिखाइए ना, क्या नाम है, एल जी वाला 22 इंच का, नहीं 24 का, ठीक है। और ये हमारा प्रिंटर है, ये मेरा प्रिंटर है, इसको अभी डन कर दिया हमने। और इधर कीबोर्ड किधर है, कीबोर्ड नहीं दिख रहा, कीबोर्ड वगैरह नहीं है, इसके अंदर है अपना मॉनिटर, 22 इंच या 24 इंच, दोनों में से कौन लेना है कंफर्म नहीं है अभी, देखते हैं कौन सा लेता हूँ। ये SSD है, 128 GB,
अरे ये क्यूट है ना। पास भी नहीं रहा। देखना नीचे स्क्रैच ना है इसके नीचे। नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं आएगा ना इसमें। लगा पड़ा पास में। आराम से लगा, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो, टेंशन ना लो। सैमसंग 22 इंच, सैमसंग 24 इंच। मैं सोच रहा हूँ 22 ही ले लूँ क्योंकि 22 इंच ज़्यादा सही रहेगा। ये लोग जयपुर किधर के थे? उदयपुर। हमारे पंकज के गांव के जालवाड़ा। अच्छा लेके हमने बोल दिया, बाकी लेके देखो बोल दिए बीजो सोकरा वे सोकरी। और कीबोर्ड किधर है? है दिखाओ कीबोर्ड। कीबोर्ड भी देख लेते हैं। ये दो डन हो गया है। ये 22 इंच का सैमसंग का मॉनिटर और ये कैनन का प्रिंटर जो कि इंक जेट है, मतलब इसमें फिल करना पड़ेगा बार बार। ये कीबोर्ड निकाल रहे हैं हमारे भाई साहब। ये है कीबोर्ड किसका है? जबरोनिक का नहीं है? किधर है जबरोनिक? मसाला तैयार ही। हाँ हाँ दोनों। ये है कीबोर्ड अपना जेबियन का। दोनों में से स्लिम कौन सा है? स्लिम मतलब ये जो ना ये, हाँ ये स्लिम है। मतलब जो इसका मतलब जो बटन है ना, मेरे को पतले में चाहिए। देखो मोटर आता है ना उठा हुआ ज्यादा, वैसा पसंद नहीं है। इसका कुछ उठा हुआ नहीं, आप देखो ये लो। दिखाओ जरा, चेक करो उठा हुआ है कि नहीं। ऐसा बस बराबर है। ये कीबोर्ड बराबर तो है इसमें। नहीं ये बड़ा बड़ा ज्यादा नहीं चाहिए, और पतला रहता है ना। इससे पतला कोई नहीं, इससे पतला कोई नहीं। एचपी का बहुत बड़ा बड़ा है। ओके नहीं 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 ये नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये रख साइड में। और ये वाला जेबीएन का ये कौन सा है? ये भी देख लो, दिखाओ जरा आपको पसंद आए आपके ऊपर। हाँ वही दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करो आप? ओके इससे, लेकिन ये मोटा है ज्यादा। ठीक है ये चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक है ये चलेगा। ये हाँ जबरनी का। ओके डन। मिला ना जरा इसमें ऐसा क्या है? पतला है क्या इससे? कल के निकले आर्डर आओ अल्लाह जी क्रिश्चियन साली को तुम तो करेंगे बिल बनाओ मस्त के बाहर तीस। हाँ मुझ माती बस बैठ दी। इसके साथ माउस कौन सा है? ये वाला। ये वाला वायरलेस है। कौन सा वायरलेस है? ये माउस। ठीक है कॉम्बो वायरलेस आपको। ओके वो वायरलेस चाहिए आपको? नहीं वायरलेस, वायर वाला है तो प्रॉब्लम नहीं चलेगा। ठीक है वायर वाला लाओ। वो वाला आप एक का ये कोकोनट चलेगा देखना। खोलो इसको दिखाओ जरा। दिखाओ कोकोनट का क्या है? कोकोनट का पहली बार नाम सुन रहा कोकोनट। अरे कोको तो आपने देखा नहीं अभी तक। माल चल बराबर। अच्छा मेरी सच माउस भी देख लेते हैं। ठीक है ना? नहीं नहीं ये रहना था ये डन। इसका वायर वाला लाऊं? हाँ वायर वाला। वायरलेस वायर वाला दादो। वायर वायर ला भाई। डन करो इसको। पंगे तो आप पैक करा था। आप पैक करे एक कोकोनट नो आनो। सो गाइस ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है हमको, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। ये कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है तो ये लेता हूँ मैं। और ये वायरलेस है तो वायरलेस नहीं चाहिए हमको, वायर वाला ही चाहिए। सो गाइस ये हो गया है असेंबल। अभी चेक करते हैं इसको कि हाँ सही है कि नहीं सब कुछ। इस पर चेक करो नया वाला कीबोर्ड जो मैंने लिया है जेबीएन का। कीबोर्ड से क्यों ऐसा हो गया? कीबोर्ड का इशू है?
सो गाइस मैं जस्ट अभी आया अपना जो भी सामान लेके आ गया हूँ और अभी ऊपर लेके जाऊँगा। तो अभी देखता हूँ किसी को बुलाता हूँ पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था, अकेले नहीं जा पाएगा। सीढ़ी पे चढ़ना है, फोर्थ फ्लोर पे जाना है। ऑटो से लेके आया मैं, अभी देखते हैं। मुजम्मिल को कॉल करता हूँ, वहाँ से वो लेके आएगा। ठीक है, सामान यहाँ पे उतार दिया है, ऑटो से आया, ऑटो वाला चला गया। और ये हमारा सामान, ये प्रिंटर है और यहाँ पे कंप्यूटर है। तो अभी देखते हैं लेके जाएंगे दोनों एक बार में, तो नहीं जा पाएगा। तो मैं कॉल करता हूँ, एक अपना मुजम्मिल है उसको कॉल करता हूँ, फिर लेके जाएंगे। मैंने मुजम्मिल को फ़ोन किया था बट वो फ़ोन नहीं उठा रहा, शायद बिजी होगा या सो रहा होगा। तो मैं ही लेके आया हूँ सीढ़ी के पास, अभी यहाँ से लेके जाऊँगा ऊपर। देखते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से यहाँ तक तो लेके आ गया और काफ़ी हैवी है, और यहाँ से चढ़ के जाना है सीढ़ी से। तो देखते हैं लेके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे। लेके आ गया, ये रख दिया यहाँ पे, इसमें प्रिंटर है, इसमें कंप्यूटर है पूरा। सो गाइस मैं सामान लेके आ गया वापस, और जो भी सामान था वो मैंने ऊपर लेके आ गया है। और मैंने फ़ोन किया मुजम्मिल को, तो वो आया था सीढ़ी के पास आया था, फिर वहाँ से मैं हम लोग साथ में ले गए और मैंने रख दिया है। अभी थोड़ा इसको चेक चेक करते हैं, नहीं पहले खाएंगे, काफ़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं ऐसे ही चला गया था। तो पहले खाना खाते हैं कुछ, उसके बाद फिर देखेंगे इसमें क्या है, खोल खाल के चेक चेक करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ है।